तो हेलो फ्रेंड्स, फिर आपका एक न्यू नए वीडियो में मेरा स्वागत है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड डाल चुका हूँ और ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है। और इससे पहले मैंने 5-6 पार्ट हीट के चारों सारे एक्सप्लेन किए हैं, तो वो आप जरूर से वॉच जाके देख लेना। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और इसी प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले हीट का पार्ट नंबर 5 है। और इससे पहले मैंने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड डाल चुका हूँ, उसे देख लेना। और आज है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, जो कि जेई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, कोस्ट गार्ड और नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड होता क्या है? तो हम जानते हैं एक्सपेंशन कब होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और किसी मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स का जो एरिया बॉन्ड रहता है वो इंक्रीज कर जाता है, उसी के कारण एक्सपेंशन होता है, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो कैसे होता है लिक्विड में एक्सपेंशन, वो मैं सारे चीज आपको इस फिगर के थ्रू बताऊंगा और देखिए कितने आसानी से आप समझ जाओगे। तो लिक्विड में जो होता है वो दो प्रकार के एक्सपेंशन होता है, एक होता है अपेरेंट एक्सपेंशन और एक होता है रियल एक्सपेंशन। तो अपेरेंट एक्सपेंशन जो होता है वो सिर्फ लिक्विड में ही होता है और बाकी किसी में नहीं होता। आप सॉलिड में पढ़े होंगे उसमें सिर्फ रियल एक्सपेंशन होता है, उसमें अपेरेंट एक्सपेंशन नहीं होता है। लेकिन लिक्विड में जो होता है वो रियल और क्या होता है अपेरेंट एक्सपेंशन दोनों होता है। उसके बाद अपेरेंट एक्सपेंशन में क्या होता है, अपेरेंट एक्सपेंशन में होता है लिक्विड एक्सपेंड कर जाता है लेकिन वेसल एक्सपेंशन नेग्लेक्ट, मतलब वेसल का जो एक्सपेंशन होता है उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अपेरेंट एक्सपेंशन में आपका लिक्विड का एक्सपेंशन होता है मगर वेसल का एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे इस फिगर के थ्रू देख लीजिए आप, नीचे जो है रियल एक्सपेंशन है, इसमें वेसल का एक्सपेंशन जो है वो कंसिडर्ड किया जाएगा बट अपेरेंट एक्सपेंशन में यहाँ पर जो आपका वेसल का एक्सपेंशन होगा उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो अपेरेंट एक्सपेंशन को वाई ए से डोनेट करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, उसको अपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर अपेरेंट एक्सपेंशन में क्या होता है, अपेरेंट एक्सपेंशन में आपका अपेरेंट कोई भी वॉल्यूम में क्या इंक्रीज आएगा, उसके बाद उसका इनिशियल वॉल्यूम जो मैंने पहले से ले रखा है और टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो एक्सपेंशन हुआ है उसकी वजह से वो मैं कंसिडर करूंगा और राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में कितनी वृद्धि हुई है। तो देख लीजिए अपेरेंट एक्सपेंशन वी ए मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपका अपेरेंट एक्सपेंशन, अपेरेंट एक्सपेंशन में बस इतना ही आपको समझना है कि इसमें जो होता है सबसे पहले आपका वॉल्यूम का लिक्विड का एक्सपेंशन जो होता है वो कंसिडर किया जाता है बट वेसल का जो एक्सपेंशन होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसमें जो होता है अपेरेंटली आपका लिक्विड एक्सपेंड करता है और ये सिर्फ लिक्विड में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि अपेरेंट एक्सपेंशन सिर्फ लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है या दोनों में होता है। आपका अपेरेंट एक्सपेंशन ओनली लिक्विड में होता है, ये आपने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद बात करते हैं रियल एक्सपेंशन की। तो रियल एक्सपेंशन होता क्या है, तो जब भी कोई एक्सपेंशन जिसमें लिक्विड एक्सपेंशन और वेसल एक्सपेंशन बोथ कंसिडर्ड किया जाए, लिक्विड एक्सपेंशन और वेसल एक्सपेंशन दोनों कंसिडर्ड किया जाए उसको बोलते हैं रियल एक्सपेंशन। तो अब बात करेंगे रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट को वाई आर से डोनेट करते हैं और रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता है, जो आपका रियल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम मतलब जो आपकी वॉल्यूम में चेंज आया इंक्रीज आया, मान ली यहाँ इंक्रीज, रियल एक्सपेंशन इंक्रीज इन वॉल्यूम, उसका इनिशियल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि आपका रियल जो एक्सपेंशन हुआ उसके में चेंज वॉल्यूम में जो चेंज करेगा और उसका इनिशियल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो वाई आर सी से डोनेट करते रियल एक्सपेंशन को और डेल वी ए या क्या चेंज इन वॉल्यूम किस में रियल एक्सपेंशन में, उसके बाद वी इनिशियल वॉल्यूम हो गया और डेल टी आपका राइज इन टेम्परेचर जो टेम्परेचर में इंक्रीज किया। तो ये सब सारे टॉपिक थे वो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड थे। इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और खासकर ये चीज़ याद रखना कि जो अपेरेंट एक्सपेंशन होता है वो सिर्फ लिक्विड में होता है बाकी किसी में नहीं होता, ये आप ध्यान में रखें क्योंकि यही आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि अगर रियल एक्सपेंशन और अपेरेंट एक्सपेंशन किस
में होता है लिक्विड सॉलिड गैस, तो आप बोलोगे लिक्विड क्योंकि इसमें अपेरेंट और रियल एक्सपेंशन दोनों होते हैं। तो अब बात करते, ये क्वेश्चन जो है आगे का टॉपिक का है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन कोई बच्चे इसको थोड़े भी पढ़ रखे होंगे वो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या है और ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगा। तो इसी प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाना, और बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।